विपक्षी पार्टियों द्वारा भारत बंद बुलाए जाने पर अपना पक्ष रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सोमनाथ सिंह ने बताया कि भारत बंद के नाम पर जनता को परेशान करने के लिए यह कार्यक्रम विपक्षी दलों के द्वारा चलाया गया, परंतु भारत की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा एवं कार्यशैली से भलीभांति परिचित है एवं भारत के लोग यह जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय किसानों के लिए कितने गंभीर हैं और उनकी आय दोगुनी करने की ओर अपनी योजनाओं के द्वारा अग्रसर हैं। इस अवसर पर सोमनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए हर संभव कदम उठाती है और मोदी सरकार किसानों के लिए पूरी तरह कर्तव्यनिष्ठ है। किसानों के नाम पर भारत बंद बुलाना यह बस एक प्रोपेगेंडा है जो भी भक्त चला रहा है और इसे भी जनता ने पूरी तरह नकार दिया। हर जगह शहर खुले हुए हैं, लोगों का आवागमन सामान्य रूप से चल रहा है, इसलिए यह भारत बंद पूरी तरह विफल साबित हुआ। इस अवसर पर जिला महामंत्री सुमित शरण, जिला मंत्री कुणाल सिंह, भाजयुमो जिला अध्यक्ष अनूप पांडे, चंदन राउत, प्रदीप राउत, देवेंद्र नायक, बबलू कुमार आदि उपस्थित थे। जिला में जो है विपक्षियों का जो है जामताड़ा जिला बंद बिल्कुल फ्लॉप रहा है। सभी दुकानें खुले हुई है, गाड़ी जितने भी गाड़ी है, ट्रेन है, बस है, ट्रक है, सब चल रहा है। लोगों का आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। कोर्ट में भी देखिए आप जो है सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोर्ट का भी सुचारू रूप से काम चल रहा है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जामताड़ा विपक्षियों का जो है फ्लॉप रहा है। जामताड़ा बंद का जो है लोगों ने जो है बहिष्कार किया है। विपक्षियों का जो है जो मुद्दा था कि झारखंड बंद करके, भारत बंद करके, जामताड़ा बंद करके किसानों को जो है हम बरगलाएंगे, किसान भाई दुकानदार भाई जो है इन लोगों का मनसूबा को समझ गए और जामताड़ा जिला को जो है पूरी तरह खोल करके जो है इन लोगों को बहिष्कार किया।